मुझे जरा ये बता दीजिए कि अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने मुझे लेट हो गई थी, बट मैंने कुछ भी इरेज नहीं किया था बोर्ड पर से। मैं आपको एक बार फटाफट से रिकैप कर दूं। हम लोगों ने एलिप्स की थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हम लोग हर पॉइंट पर हर तरीके से बात कर चुके हैं। ये बस एक एक समरी है एलिप्स की। दो तरह के स्टैंडर्ड एलिप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, एक वर्टिकल एलिप्स होता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो है एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस मेजर हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर आती है, और वर्टिकल एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर आती है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स और बाकी टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है टर्मिनोलॉजी की। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट, वर्टिकल एलिप्स के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए वर्टिसेस, वर्टिकल एलिप्स के वर्टिसेस, सेंटर दोनों का, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दोनों की, ये सब ऑलरेडी हम लोग नोट कर चुके हैं। आप इसको नोट तो कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले, और वरना मुझे ये बता दे कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शुड आई इरेज दिस? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज रिप्लाई, इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज रिप्लाई। दो मिनट, ओके। आप अच्छे से चीजों को देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। और जो भी बात आपको नहीं समझ में आ रही है ना, देखिए डायग्राम सामने होता है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो भी बात आपको नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए। सब कुछ डिराइव किया गया, चाहे वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो, ये ई क्या है, व्हाट इज ई, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अगर आपको कोई लेक्चर छूट गया हो तो प्लीज। रिकॉर्डेड वर्जन देखिएगा, आसानिया का हो गया। मंगल का हो गया, सूर्यांश, शिक्रमा, स्वतंत्र, आसान। ओके, तो मैं सब इरेज कर रहा हूँ। ओके, एक्सिस के बारे में बात कर ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ नीचे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ पर, यहाँ से ए यूनिट, यहाँ से ए यूनिट, मेजर 2a यूनिट होगी। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b यूनिट होगी।
इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हो। इसके केस में जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है और ये देखिए 2b यूनिट, मेजर एक्सिस की लेंथ 2b यूनिट है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2a यूनिट है। इसमें जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है तो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो। फटाफट से नोट कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए वरना मैं इरेज करूं। फटाफट से नोट कर लीजिए कुछ पूछना हो। अरे कुछ डिफरेंट नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन, कोई डिफरेंस नहीं है एनसीईआरटी में। ये जो मैं 0b यूज कर रहा हूँ ना एनसीईआरटी में, यहाँ 0a यूज किया होगा, ये तो आपके ऊपर है ना। आप एक बार जो आपने पूछा है श्रेयांशु, एक बार देख तो लो कि उसने कोऑर्डिनेट्स क्या यूज किए हैं। आप थोड़ा सा देखते ही डायग्राम को आपको समझ में आ जाता। एक बताना है सेंट्रिसिटी और मुझे एक बताना है फोकल डिस्टेंस। लेटर सेक्टर में बताना है ना। एनसीईआरटी में यहाँ 0a यूज किया होगा और यहाँ ए स्क्वायर लिख, यहाँ यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया होगा। इससे कोई पंगा नहीं यार, ये डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल है। मैं ऐसे कंफर्टेबल रहता हूँ, एक्स के अपॉन में एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर, वाई के अपॉन में वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर। मैं ये डिपेंड करता है, आपको एनसीईआरटी वाला समझ आ रहा है तो आप वो वाला नोट कर लेना, आपके ऊपर है। बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखा रहेगा, बस। तो मैं ये सब इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आपने अभी भी नोट नहीं किया तो यार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके अब बारी आती कुछ और चीज़ों की। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, फोकल डिस्टेंस एंड यू नो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, फोकल डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों को याद है हम लोगों ने एक दिन एक फॉर्मूला डिराइव किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, सी में ए में सी क्या था, फोकस के कोऑर्डिनेट थे। इस ए ई को हम सी कहते थे, इस ए ई को ही हम सी कहते थे पहले, जब इसेंट्रिसिटी हम लोगों जब डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म नहीं पढ़ी थी तब हम लोग फोकस के कोऑर्डिनेट को सी कहते थे, और बाद में यही सी की वैल्यू ए ई आई, हम लोगों ने डिराइव भी किया है सी इज इक्वल टू ए ई। तो इस सी की वैल्यू अब मैं वहां पुट कर रहा हूँ, यहाँ से ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी होती है एलिप्स की, दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट यहां पर भी वही है, देखिए यहां पर ए बी से बड़ा है, यहां ए बी से बड़ा है इसीलिए ए अपॉन में है, यहां बी ए से बड़ा है तो आप ऐसे लिखोगे बस, और कोई पंगा नहीं है। एकदम अच्छे से समझिए इसको, कहीं पर भी रटने रटने जैसा हिसाब नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो अभी डिस्कशन कर लीजिए अपना, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो अभी अपना डिस्कशन कर लीजिए। यहाँ पे
ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर अपॉन में, यहाँ बी ए से बड़ा है तो बी स्क्वायर अपॉन में है, बस। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की वन से कम आनी चाहिए सर, देख लीजिए जरा इसको, इसेंट्रिसिटी एलिप्स की वन से कम आनी चाहिए, देख लीजिए जरा इसे, बी जो है वो ए से कम है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, मतलब ये वन से कम आएगा, और वन में से मैं वन से कम क्वांटिटी माइनस कर दूंगा तो फिर वन से कम आ जाएगा, वन से कम क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लूंगा तो और कम आ जाएगा, मतलब ये चीज़ पॉजिटिव तो होगी लेकिन वन से कम होगी। सिमिलरली वन में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, वन में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, वन से कम आएगी, उसका स्क्वायर रूट लेने पर फिर वन से लेस ही आएगा। सो इन दोनों फार्मूलाज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वन माइनस लेंथ ऑफ यू नो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ माइनर सेमी माइनर एक्सिस अपॉन स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस यू नो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ऊपर सेमी माइनर एक्सिस रहेगी, यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे इसकी सेमी माइनर एक्सिस कौन है, ए, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में सेमी माइनर एक्सिस रहेगी, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। आई होप आप इन दोनों को बातों को समझ रहे हो। नेक्स्ट है हमारा यू नो इक्वेशन लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आपको याद होना चाहिए लेटस रेक्टम क्या था, यू नो अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, दिस इज द लैटिस रेक्टम, और इसकी लेंथ हम लोगों ने डिराइव भी की है, टू बी स्क्वायर अपॉन ए आता है, इसकी लेंथ हम लोगों ने डिराइव भी की है, टू बी स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो हो सकती है क्या भाई, किस कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ये जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस पर नहीं। हाँ अगर आप एलिप्स को राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेट वगैरह करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं भी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ए बाई ई यूनिट है, हम जानते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए अपॉन ई है, तो अगर मैं इस एलिप्स को ए बाई ई यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट कर दूँ तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा, अगर मैं इस एलिप्स को ए बाई ई यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस पर आ जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग के बाद, एक होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और एक होता है रोटेशन ऑफ ओरिजिन, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है कि अगर एलिप्स को 30 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो उसकी नई इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एलिप्स को 3 यूनिट राइट वर्ड या 3 यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एलिप्स के ओरिजिन को 0 0, अगर एलिप्स के सेंटर को 0 0 से 2 3 पर लेकर के चले जाएँ तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बट ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ कंपटीशन में पूछा जाता है मगर हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस पर नहीं बल्कि वाई एक्सिस से ए अपॉन ई यूनिट लेफ्ट में और राइट में। लेटस रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ई हम लोगों ने डिराइव की थी, इसकी लेंथ आ जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सिंपल, एंड और क्या क्या बाकी है, फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस इसको नोट कर लो, कुछ पूछना उछना है यार तो अभी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने सब नोट कर लिया। एंड द लास्ट फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट पी है, इसकी आपको फोकस से डिस्टेंस निकालनी है, और इसको बना लीजिए क्या ए बी सी सब तो यूज हो गया, पी क्यू 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 बना लीजिए इसको, मैं फिर थोड़ा सा एक स्पेस लूंगा यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि फोकल लेंथ क्या होगी, हमको चाहिए पी एफ वन,
हम पी एफ वन निकालना चाहते हैं, हमको ये पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस चाहिए पी एफ वन। अभी हम इस फोकस से भी डिस्टेंस निकालेंगे, बट पहले ये वाला निकाल लेते हैं। तो एक बात तो है कि एलिप्स की डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इसका रेशियो हमेशा इसेंट्रिसिटी होती है। तो पी एफ वन एक तरह से हो गया हमारा, पी एफ वन एक तरह से हो गया हमारा ई टाइम्स पी क्यू। पी एफ वन जो है, ये डिस्टेंस जो है ई टाइम्स पी क्यू हो गया। अब पी क्यू कैसे निकलेगा? अगर किसी तरह से पी क्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाए, किसी तरह से पी क्यू निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। बताइए कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी? टेक योर टाइम, 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, ज़्यादा बस मत लें। पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी आपको बतानी है। इसीलिए मैं यहाँ ये सब नहीं लिख रहा था, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, सॉरी, मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर रश हो जाता है ना काफ़ी, डायग्राम क्राउडी हो जाता है। पी क्यू की डिस्टेंस क्या आएगी, कोई बताए? मैसेज करें, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा यार, कुछ बोलना मत, अभी हम सुन ही नहीं रहते हैं। हेलो, हाँ, कोई कुछ कह रहा है ना? कुछ कहना यार तो पहले बता देना कि सर माइक ऑन करना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ पी क्यू? पी क्यू का मतलब आर एम एन, आर एम एन, एम वन, आर एम वन। पी क्यू का मतलब आर एम वन, और आर एम वन कैसे निकलेगा? पी क्यू का मतलब आर एम वन, हाउ विल यू गेट आर एम वन? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस थी ए बाई ई। देख लो यार, यहाँ देख लो, पी क्यू मतलब आर एम एन, और आर एम एन मतलब सी एम एन माइनस सी आर, सी एम वन माइनस सी आर, पी एफ वन आ जाएगा सी एम वन, सेंटर से यानी कि ओरिजिन से एंड डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए अपॉन ई, और सेंटर से जो आर है ये इस पॉइंट का एब्सिसा होगा, मतलब एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई से अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए बचेगा माइनस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स। तो इस पॉइंट की फोकस एफ वन से डिस्टेंस है ए माइनस ई एक्स, इस पॉइंट की एफ वन से डिस्टेंस है ए माइनस ई एक्स। श्यांशु नींद में थे क्या, पता नहीं क्या कह रहे हो। और सिमिलरली अगर आप इस फोकस से डिस्टेंस निकालना सोचेंगे, पी एफ टू अगर निकालना चाहते हैं, पी एफ वन तो हमने निकाल लिया ए माइनस ई एक्स, अगर आप पी एफ टू निकालना चाहते हैं तो ये ए प्लस ई एक्स आएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू आप निकाल करके देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप निकाल करके देखिएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ए प्लस माइनस, ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे करके लिख लो यार, अलग ही अलग लिख लो। जो नजदीक होगा फोकस वो माइनस वाला होगा, जो दूर होगा वो ज्यादा होगी डिस्टेंस तो वो प्लस वाला होगा। जो फोकस नजदीक होगा वो माइनस वाला होगा, और जो फोकस दूर होगा वो प्लस वाला होगा। सिमिलरली यहां पर भी आप क्या,
सॉरी यार। वैसे तो मेरा घर एक कॉलोनी में है, मऊ की सबसे, अगर मैं कहूँ कि सबसे पुरानी कॉलोनीज में से एक है तो ये गलत नहीं होगा, मगर उसके बावजूद ठीक है, यहाँ सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। आई डोंट थिंक कि यू नो, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ई वाई हो जाएगा सिर्फ, सिर्फ ई वाई थोड़े होगा, ये ए की जगह बी भी तो हो जाएगा। पूरी बात बता देनी है, अच्छी है। ए की जगह बी हो जाएगा भाई, ये फोकल डिस्टेंस है। चलो तो अब अपने एलिप्स में डाउट्स बताओ भाई, अब आप अपने एलिप्स में डाउट्स बताइए। अगर किसी को कुछ पूछना उछना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो बताओ, माइक्रोफोन ऑन करें, मतलब 1 मिनट। हाँ आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो सब समझ आ गया, वेरी गुड। बताइए एलिप्स में आपके डाउट्स, लगाया कि नहीं लगाया एलिप्स, ईमानदारी से बताओ, एलिप्स लगाया कि नहीं लगाया। नवंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई क्लियरली ऑडिबल? तुम मूर्खों बता क्यों नहीं रहे हो कि क्वेश्चन लगाए हो कि नहीं लगाए हो, पूछा ना मैंने 4 बार। आपके मैसेजेस ही रिकॉर्ड होते हैं, आपके मैसेजेस ही मेरे लिए रिकॉर्ड्स हैं, आपका बोलना मैसेज करना ज़रूरी है कि आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं अभी। मिड टर्म एग्ज़ाम है, हो सकता है आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बिजी हों और इसलिए आप एलिप्स के क्वेश्चंस नहीं लगा पाए। 1 मिनट, ऐसा तो नहीं कि एलिप्स आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि एलिप्स आपको समझ ही में नहीं आ रहा हो। ओके मतलब क्वेश्चन लगा नहीं पाए, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम तो है ही आपका, चलो हम लोग क्लास वर्क करेंगे, हम लोग क्लास वर्क करेंगे। एनसीईआरटी निकालिए, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल्स लगाएंगे और देख के मत लगाइएगा। सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल 9, 10, 11 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाइए, ठीक है। मैं यहीं बैठा हूँ, जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा या नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम आप बार बार बनाएं। आप जितनी बार ये बनाएंगे आपको सारी लोकेशन, सारे कोऑर्डिनेट्स एकदम याद हो जाएंगे,
आप जितनी बार इसको बनाएंगे आपको ये सब बातें याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए बार बार इसको बनाइए, हर डायग्राम में छोटे छोटे डायग्राम फटाफट फटाफट से कि हाँ यहाँ वर्टेक्स होगा, इसका इसका मेजर एक्सेस ये होगी, इसकी माइनर एक्सेस ये होगी, डायरेक्ट सीधा रहेगी वगैरह। तो ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, और जो भी आप में से किसी को नहीं लगेगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत यहाँ बोर्ड पर सॉल्व कर दूंगा अभी, ठीक है। चलो क्लास वर्क ही करते हैं, अगर हम घर पे नहीं लगा पा रहे तो हम क्लास में लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास 20 मिनट हैं, अच्छा खासा टाइम है, तो हम लोग अभी करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 252, पेज नंबर 252, और जो भी ना समझ में आए प्लीज़ पूछिएगा बेहिचक। और जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि सर एग्जांपल 9 हो गया, एग्जांपल 10 हो गया, ऐसे करके। नहीं हुआ तो वो भी मैसेज करना। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन रहेगा, अपने कैमराज ऑन कीजिए एंड मेक श्योर यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, कॉपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस कैमरा ऑन रखिए, कॉपी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस कैमरा ऑन रखिए, बस हाँ कैमरा ऑन रखिए। शिवांगी, शिवांश, मेक योर सेल्फ विजिबल ऑलवेज, जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब तक कैमरा ऑन रहना चाहिए। कीप ऑन सॉल्विंग। शिवांगी आपका कैमरा अभी बंद है। अमन, नहीं अमन बताओ, असान्या, श्रेयांशु, श्रेयांशु निशा, ओके ठीक है। मंगल, एग्जाम्पल नंबर 9, जैसे ही आपका हो जाए मैसेज कीजिएगा।
श्रेयांशु कह रहे हैं उनका 9th हो गया, बहुत परेशान नहीं होना है, समझने की कोशिश कीजिए, एलिप्स को लोकेट कीजिए, कहाँ फोकस होगा, कहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना, सब है ना, फाइंड करने की कोशिश कीजिए, आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे अपने दर्शक तक। और बहुत दिक्कत हो रही है, दूसरा लगाओ, परेशान मत हो। एलिप्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की नहीं। ऑलमोस्ट 9th सबका हो गया, फिर भी अगर कोई है जिसे 9th ना समझ में आ रहा हो प्लीज़ बता दीजिएगा। स्वतंत्र कवि हो गया, अमन का, सान्या का, शिवांश, शिवांगी आपका 9th नहीं हुआ है, नाइन्थ एंड टेंथ बोथ। कीप ऑन सॉल्विंग, आप मत क्लास के बाद कोई क्वेश्चन मत लगाना, कोई मत करना काम, मिड टर्म कीजिए अपना, लेकिन जब तक 1 घंटे क्लास चल रही है तब तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मंगल का भी 10th हो गया, वेरी गुड। कोई भी कंफ्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन हो, बेहिचक पूछ लीजिएगा। ओके,
नाइन टेंथ दोनों बहुत इजी है, सारे इजी हैं। ठीक है, इक्रम और असान्या का भी टेंथ हो गया, शिवांश का भी टेंथ हो गया, गुड। मेक श्योर कि आप खुद से कर रहे हों, बुक से हेल्प ना ले रहे हों, समझिए और लगाइए। श्रांशु का टेंथ और इलेवेंथ दोनों हो गया, वेरी गुड। मंगल का भी इलेवेंथ हो गया, कीप ऑन सॉल्विंग। ओके, 5-10 मिनट और जितने लगा सकते हैं लगा लीजिए, एटलीस्ट जब एग्ज़ाम के बाद आप एलिप्स उठाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने कैसे कैसे किया था, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कल हम लोग नो डाउट हाइपरबोला पढ़ेंगे, कल हम लोग नो डाउट हाइपरबोला पढ़ेंगे। अच्छा, कोई प्रीवियस चैप्टर के न्यूमेरिकल वगैरह चाहिए क्या तुम लोगों को? किसी को प्रीवियस चैप्टर में डाउट क्लास वगैरह चाहिए मिड टर्म के करस्पॉन्डिंग? विक्रमा का भी इलेवेंथ हो गया, सान्या, शिवांगी, शिवांश सबका इलेवेंथ हो गया, 9-10-11। ओके, 16 है सर, नहीं खत्म कीजिए, खत्म कीजिए।
शिवांश का 12th हो गया, विक्रमा का भी 12th हो गया, श्रेयांशु का भी 12th हो गया। अमन 11th, स्वतंत्र 11th, ये 5 साल में आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? थर्टीन तक लगाइए और फिर क्लास छोड़िएगा। ओके 5 मिनट और दे दो, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, एटलीस्ट एग्जाम्पल तो लग जाएंगे आपके। कुछ भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। शिवांगी श्रीवास्तव 13 हो गया है। शिवांगी अगर आपका 13 हो गया है और कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, देन यू कैन लीव द क्लास एंड मेक श्योर दैट यू ऑल आर ऑनेस्ट टू मी। ट्वेल्व एंड 13 डन, मंगल का भी हो गया। मंगल यू कैन लीव द क्लास इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट। सर 13 नहीं आ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ दो पॉइंट्स दे दिए ना विक्रमा, बिल्कुल सीधी सीधी चीज है। आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों पॉइंट्स को एलिप्स की इक्वेशन पर सेटिस्फाई कीजिए और ए और बी निकालिए। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस निकालिए। जैसे ही ए और बी मिल जाएगा एलिप्स आपके हाथ में आ जाएगा। समझे? जो स्टूडेंट्स 13 तक कर चुके हैं और उन्हें कुछ पूछना नहीं है वो क्लास छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। विक्रमा अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। विक्रमा 13 में क्या नहीं समझ आ रहा है? सर ये टेक प्रोवाइड की तरफ वैल्यू पुट करें सर।
अच्छा इकरमा, दोनों दोनों भाई अगर ए और क्वेश्चन बी की मुझे बोले वैल्यू, दोनों बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अगर ए और यस बी सर, की वैल्यू तुमको मालूम रहती तो तुम सवाल लगा लेते। यस सर, यहाँ ए और बी डायरेक्टली ना देके दो पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि तुम ए और बी फाइंड करो, समझे? पहले पहला पॉइंट सेटिस्फाई यस करो, एक्स और वाई दिया हुआ है, एलिप्स की क्वेश्चन मान लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर, वन। पॉइंट्स को सेटिस्फाई कीजिए, ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा, फिर दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे तो ए और बी में दूसरा रिलेशन मिलेगा, उन दोनों को यस सॉल्व सर, करके ए और बी निकालिए, ठीक है? जैसे ही आपके हाथ में ए और बी आ गया, बस सवाल खत्म। शिवांश का भी हो गया, श्रियांशु का भी हो गया, फिर भी नहीं समझ में आया क्रमा तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके आसानिया का भी सर, हो गया, जिनका 13 हो गया है दे कैन लीव द क्लास। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग वर्जन देख रहे हैं क्लास का, इस क्लास का रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हैं, मेक श्योर कि वो भी एग्जाम्पल्स को सीरियसली लें। एग्जाम्पल्स सॉल्व करते समय आपको कभी भी बुक से हिंट नहीं लेनी चाहिए, जब तक पहले आप खुद से ट्राई करें, ना समझ में आए तभी हिंट लें, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइजेस, एलिप्स जब जब आप लगाएं डायग्राम बना बना करके सॉल्व कीजिए, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ों की आपको याद हो जाए कि कहाँ फोकस है, कहाँ सेंटर है, कौन मेजर एक्सिस है, कौन माइनर एक्सिस है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, सब चीज़ें, हर छोटी छोटी बातें एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएं आपके, ठीक है? प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, प्रैक्टिस से कई चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब की टर्मिनोलॉजी एक जैसी है ना, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें, सबकी टर्मिनोलॉजी एक जैसी है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। मगर ऐसा भी नहीं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायग्राम बनाते रहेंगे तो आपसे सब चीज़ें अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। मिस्टर शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास, खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। हाँ, एनी वन वॉन्ट टू आस्क।